अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर जैसी सुविधा से भी ऐसी इंग्लिश मीडियम पतन से पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लैस जयनगर प्रखंड के पंगवा गांव में सैनिक स्कूल संचालित किया गया है। जी हां, सैनिक स्कूल पंगवा में कक्षा नर्सरी से 8 तक की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यालय संचालन के समय सभी गतिविधि की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कर रहे हैं। सैनिक स्कूल में प्लेग्राउंड, खेल मैदान, शुद्ध पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, क्लासरूम में डिजिटल ब्लैक बोर्ड, बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के खेल सामग्री की व्यवस्था की गई है। सैनिक स्कूल के निदेशक पूर्व सैनिक कैप्टन कासिंद्र यादव ने बताया कि कमला नदी के पूर्वी क्षेत्र के कई गांवों में बच्चों को पठन पाठन के लिए प्राइवेट स्कूल का घोर अभाव था। पूर्वी क्षेत्र से बच्चों को पठन पाठन के लिए घंटों का सफर तय कर जयनगर प्रखंड मुख्यालय में जाना पड़ता था, जिससे बच्चे घंटों वाहन की सफर में तनाव में नजर आते थे। जबकि अभिभावकों को भी बच्चों को 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर डर बना रहता था। इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करने के बाद पंगवा गांव में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को पठन पाठन के लिए शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कैप्टन कासिंदर यादव को, जिनकी इतनी सोच कि मैं एक रूरल इलाका में सैनिक स्कूल पड़वा के नाम से विद्यालय को स्थापित किया है। इसमें जितने भी शिक्षक हैं, सारे शिक्षक बाहर के हैं और फुल्ली सीबीएसई और इंग्लिश माध्यम से यहाँ पढ़ाई होती है। हम लोगों का भी बच्चा इसमें एडमिशन करवाया है। सुदूर इलाका देहात है, बहुत सारे बच्चे आते हैं। और सबसे पहले इस विद्यालय की खासियत है, इस विद्यालय में जितने भी ग्राउंड है, टोटल ग्राउंड में लैट्रिन बाथरूम का सुविधा है। बच्चों को खेलने के लिए एक से एक जिम का सुविधा है। सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होती है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कैप्टन कासिंद्र यादव को, जिन्होंने सेना से रिटायर होने के उपरांत इस तरह की सोच उनके मन में आया। मैं इस सुदूर इलाका में, रूरल इलाका में गाँव के बच्चों को पढ़ाएं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और सैनिक स्कूल रियली में बहुत ही बेहतरीन शिक्षा के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे गाँव। करीब 7 किलोमीटर के दायरे में जयनगर शहर है। लोग यहाँ अपने बच्चों को जयनगर गाँव में ही सुविधा उपलब्ध हो गई। लोगों को पहले डर भी था कि शहर में जा रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, उस पर क्या बोलते हैं? ये तो लोगों का सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि जयनगर से पड़वा की दूरी लगभग 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, गाड़ी को 1 घंटा जाने में लगता है, 1 से 1.5 घंटा आने में लगता है। बच्चा जयनगर पहुँचते पहुँचते हरासमेंट हो जाती है और आते आते खुली हरासमेंट हो जाता है। उनको शिक्षा सही ढंग से प्राप्त नहीं होती है। जो सुख सुविधा जयनगर या अदर शहर में मिलता है, वह गाँव में अगर प्राप्त सैनिक स्कूल पड़वा में दे रहे हैं कैप्टन कासिंद्र यादव, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मेरा नाम हुआ धनी।